तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाएंगे अष्टमी और नवमी पर बनने वाला प्रसाद। तो देखो, यहाँ पर बहुत ही टेस्टी और एकदम काले काले हम चने बनाने वाले हैं प्रसाद में। साथ के साथ बनाएंगे एकदम रसीला दानेदार सूजी का हलवा। तो आज मैं दो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुकर ले लिया है और मैं डाल रही हूँ यहाँ पर भीगे हुए चने। ये चने मैंने एक रात के लिए भिगो दिए थे और अच्छे से इनको धोने के बाद कुकर में डालेंगे। और ये जो चने हैं वो एक कप हैं, मतलब कि एक कप चने मैंने भिगोए थे। यहाँ पर मैंने एक तेज पत्ता डाला है और एक मोटी इलायची डाली है। एक चम्मच मैंने नमक डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डालकर इसको बॉईल कर लेंगे 4 से 5 सीटी आने तक। तो यहाँ पर मैंने चने हैं वो बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। साथ ही मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ हलवा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पैन में डाल रही हूँ थोड़ा सा घी। घी के साथ ही मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, काजू और बादाम। इनको मैंने काट लिया था और अच्छे से इनको चलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इनको भून लिया है और साथ के साथ आप देख सकते हो कुकर में सीटी आ गई है। जो चने हैं वो बॉयल होने वाले हैं और यहाँ पर जो काजू और बादाम हैं वो भी मैंने भून कर तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको पलट लूँगी एक कटोरी में घी के साथ ही। अब मैं इसी पैन को ले लेती हूँ और अब मैं फिर से इसमें थोड़ा सा घी डालूँगी, मतलब कि 1/4 कप मैं घी डाल रही हूँ और 1 कप मैं सूजी ले रही हूँ। थोड़ा सा घी मैं ऊपर से और डाल रही हूँ। टोटल जो घी है वो 1/4 कप है और अच्छे से इसको चलाते हुए भून लेना है एकदम गोल्डन होने तक। जी को ना लगातार चलाते हुए भूनना है ताकि जले नहीं। तो बहुत ही अच्छे से इस तरीके से इसमें से घी निकलने लगेगा और धीरे धीरे ये एकदम गोल्डन कलर की हो जाएगी सूजी। और आप देख सकते हो सूजी अच्छे से भुन गई है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी 1 कप चीनी। तो चीनी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर ज़्यादा मीठा खाना है तो चीनी 1 कप काफ़ी रहेगी और कम मीठा खाते हो तो यहाँ पर आप चीनी थोड़ी सी कम कर दें। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 कप पानी। चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे सूजी में, उसके बाद पानी डाल देंगे। हो सके तो पानी गर्म करके डालें। तो बस यहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और कम गैस पर जो हलवा है अच्छे से पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। वो धीरे धीरे चलाते हुए हलवा जो है वो गाढ़ा होने लगेगा। तो बस आप देख सकते हो हलवे के ऊपर से ना घी आ गया है और हलवा पक चुका है। यहाँ पर हम डालेंगे जो हमने काजू और बादाम को भून के रखा था वो, अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हलवा है एकदम परफेक्ट बन गया है। अब ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ज़्यादा पका देंगे ना तो क्या होगा, थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा ना ये, तो ये एकदम बर्फ़ी की तरह जम जाएगा। तो बस इतना ही इसको पकाना है और एकदम परफेक्ट जो हलवा है वो बनकर तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसमें केसर और इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। तो बस हलवा तैयार है। अब जो चने हैं वो बॉईल हो गए हैं तो इनको हम चेक कर लेते हैं। तो चने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। एक बार इसको इस तरीके से तोड़कर देख लेंगे, अगर थोड़े बहुत कच्चे रह गए हों तो दोबारा से इसमें सीटी लगा सकते हैं। तो चने बनाने से पहले एक बार चेक कर लें। यहाँ पर मैं ले रही हूँ सूखे मसाले 2 चम्मच ले रही हूँ मैं धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच मैं ले रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, नमक ले लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और मैं गरम मसाला ले रही हूँ 1 चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ। नमक हमने पहले भी चने में डाला है तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। थोड़ा सा पानी डालकर पतला एक घोल बना लेंगे। यहाँ पर चने बनाने के लिए ली है लोहे की कढ़ाई। तो लोहे की कढ़ाई में जो चने हैं एकदम काले बनेंगे। आप ज़रूर से लोहे की कढ़ाई में बनाकर देखना। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है 1 छोटा चमचा और यहाँ पर मैंने छोटे 2 चम्मच भर के जीरा डाला है, थोड़ी सी हींग डाली है। जाएगा तब हम यहाँ पर डालेंगे लच्छे में कटी हुई अदरक और साथ ही 2 से 3 हरी मिर्च। इनको हम थोड़ा सा भूनेंगे। जब ये भुन जाएंगे तब हम यहाँ पर जो हमने घोल बना कर रखा है मसाले का वो ऐड कर देंगे। तो इस घोल को हम थोड़ी देर पका लेंगे, मतलब कि मसाले को ना कम गैस पर 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। जब इस तरीके से तेल मसाले के ऊपर आ जाएगा
तब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे जो हमने चने बॉईल करके रखे हैं वो, तो पानी के साथ ही बॉईल कर देंगे, पानी नहीं निकालेंगे क्योंकि हमने पानी साफ डाला है बॉईल करते टाइम, तो पानी निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसको क्या करना है, अच्छे से पका लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। जब इस तरीके से अच्छे से जो पानी है वो पक जाएगा, एकदम सूखे जो चने हैं वो बन जाएंगे, तब हम गैस को बंद करेंगे। तो जब तक ये पक नहीं जाता है तब तक इसको पकाना है, मतलब कि पानी अच्छे से पकाना है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच भर के काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच में डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे बढ़िया से। चने को बहुत ही अच्छे से पका लिया है और आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल भी चने में पानी नहीं है, एकदम सूखे चने बनकर तैयार हो गए हैं और एकदम काले बने हैं, बहुत ही बढ़िया लाजवाब चने बन गए हैं प्रसाद के। और आप देख सकते हो जो हलवा है जो मैं कटोरी में परोस रही हूँ, एकदम सॉफ्ट है, दानेदार है, क्योंकि 15 मिनट तो मुझे ये जो चने हैं वो बनाने में लगे थे, फिर भी जो हलवा है नहीं जमा, एकदम सॉफ्ट है। एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी दोनों चीज़ें बनकर तैयार हो गई हैं, बहुत ही लाजवाब बनी थी। आप ज़रूर से ये वाली रेसिपी ट्राई करना भाई, हर घर में अलग तरीका होता है प्रसाद बनाने का, एक बार इस तरीके से बनाकर देखना। और यहाँ पर मैंने गर्मा गर्म साथ में पूड़ियाँ भी बना दी हैं, तो कैसी लगी आज की ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।